नो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स का ही हम जो टॉपिक देखेंगे वो है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस के लिए हम अगेन वी कंसिडर ए स्टेशनरी वेव। हम एक स्टेशनरी वेव एक्चुएटेड विद द पार्टिकल्स, जो कि पार्टिकल से बनी हुई है, राइट, कंसिडर करेंगे और जिसकी पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल, पोजिशन coordinates of the particles जो है क्या है, x, y और z है, right? Psi is your periodic displacement, periodic displacement, periodic displacement है हमारा, right? दिस इज योर पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट, साई हम ले लेते हैं इसके अंदर से, राइट, फॉर ए मैटर वेव, मैटर वेव के लिए ले रहे हैं एट ए टाइम टी। टाइम क्या है, एट इंस्टेंट टाइम टी, किसी टाइम टी के लिए, राइट। सो जो मोशन ऑफ द वेव है, हमारी वेव इक्वेशन है जो हमारी आपकी, इन द डिफरेंशियल फॉर्म, किसमें, डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर जो हमारी आपकी वेव इक्वेशन है, हमारी वेव इक्वेशन क्या है हमारी, दैट इज योर डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द जीरो एंड से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो मैंने इसमें जो आपकी वेव इक्वेशन थी, मेरी डिफरेंशियल फॉर्म वेव इक्वेशन थी, वो इस फॉर्म के अंदर मैंने ली है। साई इज योर पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट है, राइट। सो एंड यू, ये जो यू लिया है मैंने यहां पर, यू इज द वेव वेलोसिटी। यू क्या है मेरा यहां पर, एक वेव इज द वेव वेलोसिटी, यू हमारी एक वेव वेलोसिटी है हमारी इसके अंदर से, राइट। एंड साई एक्स वाई एंड जेड टी यूजुअली नोन एज योर वेव फंक्शन। ये क्या होती है हमारी, दिस इज योर वेव फंक्शन, दिस इज नोन एज योर वेव फंक्शन, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन। अगर इसका हम सोल्यूशन देखें, जो हमारा पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट है उसका सोल्यूशन जो आता है, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो जनरल सोल्यूशन है, दैट इज योर साई एक्स वाई जेड टी दैट इज इक्वल टू साई नॉट एक्स वाई जेड ई रेस टू माइनस आई ओमेगा। ये इसका एक जनरल सोल्यूशन आ गया, किसका आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, और हमने इसको इक्वेशन नंबर टू कह दिया, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां लिख देंगे आप इसका जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मेरा, राइट। एंड साइन नॉट, साइन नॉट इज क्या है आपका, ये है साइन इट इज योर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल वेव एट ए पॉइंट एक्स वाई एंड जेड एंड विच इज इंडिपेंडेंट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी, राइट। हम एक पोजिशन वेक्टर लेंगे अब, नाउ कंसिडर द इक्वेशन नंबर टू कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ योर पोजिशन वैक्टर, जो इसका पोजिशन वैक्टर लेंगे,
पोजीशन वेक्टर मैंने आर वेक्टर ले लिया, तो आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई जे प्लस के जेड, ये मैं इस पे कैलकुलेट राइट। सो मेरा पोजीशन वेक्टर आ गया आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको अगर मैं आर वेक्टर की वैल्यू मैं यहां पर डाल दूं इस इक्वेशन नंबर टू में, इन इक्वेशन नंबर टू इसकी वैल्यू हम आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर आया, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी दैट इज साई आर टी दैट इज इक्वल टू साई नॉट आर वेक्टर ई रेस्ट माइनस आई ओमेगा टी एन से, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ये मेरी तीसरी इक्वेशन बन गई राइट। अब ये जो मेरी तीसरी इक्वेशन बनी है राइट, फॉर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या करें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं राइट। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर थर्ड राइट राइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने करा एक बार उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो सोल्यूशन आया डेल साई बाय डेल टी माइनस आई ओमेगा साई नॉट ई रेस्ट ऑफ माइनस आई ओमेगा टी राइट। ये मेरा एक सोल्यूशन आ गया इसके अंदर से, और ये वैल्यू मैं देखता हूं यहां पर ये वाली पूरी वैल्यू राइट, और इसके जगह में क्या लिख सकता हूं माइनस आई ओमेगा साई, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं माइनस आई ओमेगा साई मैं लिख सकता हूं इस वैल्यू की जगह राइट। सो वी नो दैट ई इज इक्वल टू एच नी, ये मुझे वेल नोन फॉर्मूला ये पता ही होता है राइट। सो यहां से मैं देखूं तो न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच, और एक फॉर्मूला और पता है मेरे को एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, ये भी मुझे फॉर्मूला पता है राइट ठीक है। सो यहां से मैं क्या करूं इसके अंदर से ओमेगा जो मेरी ओमेगा की वैल्यू आई है राइट, ओमेगा के लिए मैं फॉर्मूला बनाता हूं इसके अंदर से। कैसे इस फॉर्मूले को मैं तैयार करूं, इसमें मुझे एक और फॉर्मूला आता है जो कि यहां पे हम लगा सकते हैं दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू, ये भी एक फॉर्मूला हमने पता है हम कैसे कर। तो फ्रॉम जो इक्वेशन है मेरी इस इक्वेशन में से दिस इक्वेशन दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन से राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ, सो मेरी इक्वेशन हो गई डेल साई बाय डेल टी राइट, इसमें माइनस आई ओमेगा की जगह टू पाई न्यू और साई को मैं ऐसे ही रहने देता हूं राइट। सो डेल साई बाई डेल टी दैट इज इक्वल माइनस आई टू पाई और न्यू, ये जो न्यू है न्यू की वैल्यू क्या है ई बाई एच, न्यू की वैल्यू क्या है ई बाई एच, तो यहां लिख देता हूं मैं ई बाई एच, ये लिख देता हूं साई राइट। और अब जो एच है ये एच राइट, और इस एच को मैं कन्वर्ट कर दू राइट, तो h को मैं कन्वर्ट करता हूं किसमें h इज इक्वल टू h अपॉन टू पाई में, तो यहां पर माइनस i टू पाई e, और इस h की जगह क्या रख दूं मैं यहां से h क्रॉस, इससे अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा टू पाई h क्रॉस, तो इसकी जगह क्या रख दूं मैं टू पाई h क्रॉस दैट इज साई, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया इट गिव्स यू माइनस i ओवर एच क्रॉस साई दैट इज डेल साई बाई डेल टी, ये वैल्यू आ गई मेरी यहां पर राइट। और ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू में मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं एच क्रॉस ओवर आई माइनस डेल साई बाई डेल टी दैट इज ई साई, इसको इधर ले गए ये इधर आ गया इसमें से माइनस टर्म आ गई मेरी, और इधर क्या बच गया इस टर्म में ई साई, ये मेरी इक्वेशन बन गई ई साई के। तो ये
इस इक्वेशन को मैंने इसलिए बनाया यहां पर क्योंकि मैं इसकी वैल्यू जो है अपनी आगे इक्वेशंस के अंदर मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगा। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो मेरी इक्वेशन आई ई साई की इक्वेशन में मैं आई से ऊपर और आई से नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसमें एच क्रॉस हो गया ये मेरा, राइट, माइनस मेरा यही रहा, राइट, और ये डेल साई बाई डेल टी हो गया मेरा, राइट, और ये आई आ गया मेरा इधर, दैट इज इक्वल टू ई साई। क्या करा मैंने इस इक्वेशन के अंदर, आई से डिवाइड और आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे ये मुझे फायदा हुआ कि आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अगेन माइनस वन, माइनस से माइनस वन, ये क्या हो गया, प्लस कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, दैट इज इक्वल टू ई साई, राइट। ये मेरी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 5। ये आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस वन, राइट, ये हमें पता होता है इसकी वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मेरा आ गया। अब जो हमारी टाइम जो इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट जो हमारी इक्वेशन थी वो थी हमारी डेल स्क्वायर साई प्लस ट्वाइस एम एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें साई से मल्टीप्लाई करें अंदर हम, तो डेल स्क्वायर साई प्लस ट्वाइस एम एच क्रॉस स्क्वायर ई साई माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू जीरो। और ये जो ई साई की वैल्यू है यहां पर ई साई, ये इक्वेशन नंबर 6 से हम यहां पे रख दें, राइट, इन इक्वेशन नंबर 6 में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई साई इन इक्वेशन नंबर 6 में मैंने ई साई की वैल्यू ऐड की, तो हमारी इक्वेशन बन गई हमारी डेल स्क्वायर साई प्लस ट्वाइस एम एच क्रॉस स्क्वायर आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू जीरो। और ये हमारी जो थी आपकी टाइम कैसी बन गई है, हमारी आपकी टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन हमारी बन गई इसके अंदर, क्योंकि टी का इसमें ये फैक्टर आ गया हमारा। तो दिस इज योर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, राइट। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें इसके अंदर से, राइट, सो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, दैट इज योर एच क्रॉस स्क्वायर ट्वाइस एम डेल स्क्वायर साई प्लस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस गिव्स यू एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम डेल स्क्वायर साई प्लस आई एच क्रॉस साई बाई डेल टी माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो दिस गिव्स यू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी दैट इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ट्वाइस एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, राइट। सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ योर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये मेरी आ गई आपकी किसकी, टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ये हमारी टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन आ गई, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन जो आता है हमारा श्रोडिंगर का, कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस,
तो ये आपकी टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन आ गई क्योंकि टी का फैक्टर आ गया इसके अंदर से। ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसके अंदर से फुल मार्क्स का आता है ये, और ये बिग क्वेश्चंस में आता है ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ओके, थैंक यू।